हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नाउ ये जो स्केच है ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, तो ऑलवेज सारे मुझे पूछते हैं कि हाउ यू मेक दिस रियलिस्टिक इफेक्ट। बेसिकली इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ क्लॉथ, या फिर नाउ डेज आई एम यूजिंग दिस ब्रश। दिस आर कैम्लिन ब्रांड ब्रश, इजी टू यूज़, बट इससे उतना फाइन शेड मिलता है अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो, रेदर देन डैट आप दूसरे क्वालिटी के ब्रश यूज़ करते हैं, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये इसे मेकअप ब्रश कहते हैं, इजीली कहीं पे भी अवेलेबल होता है, बस ट्राई करें कि एक्सप्लोर करें हर एक चीज़ को। दिस वन इज़ थिक, लिटिल बिट थिक एज कम्पेयर टू एनी ब्रश। मीन्स अगर आप ये ब्रश देखते हैं कैम्लिन का, तो ये जो है इसके ब्रश थोड़े से लाइट शेड है, अगर दबाते हो तो इजीली मतलब दब जाते हैं, बट इसके रेफरेंस में अगर ये देखें तो ये मेकअप ब्रश है, इसमें थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा होता है हेयर्स का। सो आप इससे इतना मतलब डार्क शेड इजीली फॉर्म होता है, इससे करते हो या फिर इससे करो तो इजीली आप बना सकते हो। तो आप ट्राई करिए कि ये ब्रश यूज़ करें। ये चार फॉर्म में आता है, मतलब चार टाइप के ब्रशेस आते हैं इसमें एक सेट लेने से। सो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करता हूँ। अगर आप आई के पास यूज़ करना चाहो तो इसका टिप थोड़ा सा शार्प है, तो यू कैन यूज़ दिस इस जगह पे, या फिर यहाँ पे, या फिर नॉर्मल कहीं पे यूज़ करना है तो ये वाला इजीली ब्लेंड कर सकता है हर एक पोर्शन को। और दिस वन इज बिग वन, सो मैं ये चिक्स पे, नोज पे, इस पोर्शन पे यूज़ करके मैंने ये किया है। प्लस जब भी आपको रियलिस्टिक इफेक्ट देना हो, जैसे कि आप इस जगह पे नोज़ में देख रहे हो, मैंने एक स्पेशल इरेजर यूज़ किया है मोनो ज़ीरो, जिससे वाइट वाइट आप इजीली कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा करके बता देता हूँ, इससे इफेक्ट रियलिस्टिक आता है, मतलब कुछ भी बनाओ तो थोड़ा सा रियल बन जाता है। ऑलवेज इसको साफ कर लीजिए कहीं पे, सो और रियल इफेक्ट आएगा। ट्राई करें कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक ही इसमें आपका ये आने नहीं होता। टू थ्री टाइप ऑफ स्केचेस यूज़ किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना आने के लिए थोड़ा सा स्मूथ सरफेस यूज़ करना है, मतलब जो रेफरेंस भी है वो थोड़ा सा उसका स्मूथ सरफेस हो। तो स्पेशली एक्ट्रेस के ऐसे मिल जाते हैं, एक्टर के भी मिलते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको एक्ट्रेस का चूज़ करना चाहिए। उनका चेहरा मेकअप की वजह से वगैरह, और स्किन टेक्सचर भी उनका थोड़ा स्मूथ होता है, तो उससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस करने में ईजी होगा। सो दिस इज इट आज के लिए। आप ये डियर फूड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशलाइज ब्रश में आता है ये शायद दिख, हाँ अभी आप देख सकते हो ये डियर फूड ब्रश है। आप कैम्लिन के सादे ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो आप ट्राई करिए, कमेंट करिए, देखिए अगर आपको कुछ और जानना हो इस टेक्चर के बारे में तो मैं ये सब आपको बता सकता हूँ। सो डू कमेंट्स।